देश भर में आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। कोरोना काल के 2 साल बाद धूमधाम से मनाई जा रही जन्माष्टमी। मथुरा वृंदावन समेत अलग अलग जगह हो रही भगवान श्री कृष्ण की पूजा। आज जन्माष्टमी पर मथुरा जाएंगे सीएम योगी। श्री कृष्ण उत्सव 2022 और अन्नपूर्णा भवन का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि परिसर में भी होगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन। रात में 1 घंटे के लिए खोला जाएगा राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार। बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। देहरादून पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुआ बड़ा कार्यक्रम। राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। नैनीताल में जन्माष्टमी के मौके पर अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। भीमताल के मंदिर में हुई मूर्ति की स्थापना। जन्माष्टमी के मौके पर सहारनपुर पुलिस रही मुस्तैद। डीआईजी ने शहर में की पैदल गश्त। त्यौहार के सीजन में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है पुलिस। आज बलिदान दिवस पर सीएम योगी का बलिया दौरा। जिला कारागार में शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक। दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर है राजू। परिवार के सदस्य राजू के जल्द स्वस्थ होने की कर रहे कामना। रामपुर में आजम खान पर नए केस दर्ज होने से सियासी माहौल गर्मा गया है। अब्दुल्ला आजम ने किया ऐलान, 4 दिन में मुकदमे रद्द नहीं तो सपा सड़कों पर उतरेगी। गाजीपुर में मुख्तार के ठिकानों पर ईडी ने 13 घंटे से ज्यादा तक की छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने भी कुछ बोलने से मना कर दिया। ईडी की कार्रवाई पर बोले बसपा सांसद अफजाल अंसारी, हर तरह की जांच के लिए है तैयार। ईडी में उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। यूके पीपल एससी पेपर लीक के मास्टरमाइंड हाकम सिंह के बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल। पूर्व सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के साथ भी फोटो वायरल। सुल्तानपुर में ऑक्सीजन प्लांट में बने गोदाम में हुआ ब्लास्ट। करीब 6 ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की सूचना। लखनऊ के थाना गोमती नगर इलाके में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। एक लड़की ने अपने साथियों के साथ सड़क पर की मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जाना घायल सिपाही का हाल। इमरजेंसी में भर्ती सिपाही को डिप्टी सीएम ने खुद पिलाया पानी। वाराणसी में गंगा के बीच क्रूज का इंजन हुआ फेल। क्रूज में सवार लोगों में मचा हड़कंप। मथुरा के मान थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद। बलडोडा के पास हाईवे पर पहाड़ी से गिरा मलबा। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों की उड़ रही धज्जियां। NH24 पर रील बनाने के लिए गाड़ियों में हूटर बजाते दिखे युवक। आजमगढ़ में 8 दिन बाद कब्र से निकाला गया गर्भवती महिला का शव। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। कुशीनगर में संविदा पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की हार्ट अटैक से हुई मौत। सीएमओ पर लगा उत्पीड़न का आरोप। हाथरस में एक दंपति पर सोते वक्त डाला गया तेजाब। तेजाबी हमले में पति पत्नी झुलसे। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। संतकबीरनगर में पिता पुत्र के हत्या। धारदार हथियार से दोनों को तारा मौत के घाट। पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का कर रही दावा। ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का बुलंदशहर दौरा। सिकंदराबाद में किया बाबा कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।